21वीं सदी का वो युवा साथी जिसका पूरा जीवन ही 21वीं सदी में बीतना है, वो 20वीं सदी की सोच वाले इन नेताओं के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, एक सुरक्षित देश में ही विकास की बात की जा सकती है। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं, शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो दीदी और सारे महान मिलावटी भड़क जाते हैं। भाइयों बहनों, पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब हमारे सपूत आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं, तो दीदी को अच्छा नहीं लगता। वो हमारे वीरों के पराक्रम पर ही सवाल उठाने लगती है, क्या ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं, क्या ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल में तो इस बार दीदी सारे सीमाएं पार करने पर तुली हुई है। टीएमसी के गुंडे लोगों को वोट डालने से रोकने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। मेरे सराखों पर ये जो विशाल जनसागर है और ये आपका जो उत्साह है ना, इधर आपका उत्साह बढ़ रहा है, उधर दीदी की गर्मी बढ़ रही है। भाई बहनों, ये टीएमसी के गुंडे लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के गांव गांव में जनता मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और पूरे जोश के साथ कह रही है, जनता के दिल से एक ही आवाज निकल रही है, जनता की आंखों में एक ही सपना दिख रहा है, जनता के जिगर में एक ही संकल्प सामने आ रहा है और वो है छाप। बुध बुध से टीएम से साफ, बुध बुध से बुध बुध से छ
चुप चाप चुप।